हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर पेनिस के बारे में कोई अच्छा सा नुस्खा बताइए, पेनिस के बारे में कोई अच्छा सा नुस्खा बताइए। मैंने बहुत सारे नुस्खे बताए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नुस्खे मिलते नहीं। तो आज आप लोगों को जो मैं नुस्खा बताऊँगा बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है, और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको श्री पंसारी की दुकान से जो दो चीज़ों को परचेस करना है, क्या क्या चीज़ परचेस करना है, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे इसी टॉपिक के वीडियो हमेशा अपलोड किए जाते हैं। तो इस टाइम पे जो मौसम चल रहा है ठंड का, और इस मौसम में जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको जो है आप यूज कीजिए। और लिंग का कितना भी पुराना मैटर हो या कितना भी आपने कितने भी हाथ का इस्तेमाल किया हो या उसके अंदर जान नहीं है, छोटा हो गया, बच्चे सा हो गया, या सिर्फ पेशाब करने के लिए बचा है, तो ऐसे लोगों के लिए आज का जो वीडियो है और जो नुस्खा है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कार। तो सिंपली वो लोग जिन्होंने अंडर 18 में 18 प्लस में उल्टे सीधे काम किए, नशे मर गई, और फिर उन्होंने तरह तरह के इलाज कराए और खुद अपना बहुत सारे लोगों ने नुस्खे बना बनाए यूज किए, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, और वो फिर तरह तरह के कंपनी की मेडिसिन यूज किए, ऑयल यूज किए, उससे भी इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब तक आपकी जो नसें होती है बारी बारी, ये नसों के अंदर से जब तक गंदा पानी नहीं निकलेगा तब तक आप कोई भी तेल लगा लो, कोई भी मेडिसिन खा लो, आपको कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है। कह लीजिए कि जिनका मामला एकदम खत्म है, कुछ भी नहीं है, एकदम ना के बराबर है, चाहे स्टैंडिंग हो, चाहे इरेक्शन हो, चाहे साइज हो, एकदम बच्चे सा हो गया, एक इंच आधा इंच, या सिर्फ कह लीजिए पेशाब करने के लिए बचा, ये कह लीजिए कि जिनकी कहानी खत्म है उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कारगर है। और जो नुस्खा है ये सिर्फ और सिर्फ ठंडी में यूज करना, और इस नुस्खे को सिर्फ ठंडी में यूज किया जाता है। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया था, तो मैंने सोचा कि मौसम भी चल रहा है और आप इसको आसानी से परचेस करके बना भी सकते हो। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर एक शहद और नंबर दो हींग। शहद आपको ओरिजिनल लेना है, हींग भी आपको ओरिजिनल लेना है। अब हींग कितना लेना है, शहद कितना लेना है। शहद आपको ओरिजिनल लेना है 20 ग्राम, कितना 20 ग्राम आपको शहद लेना है, और 10 ग्राम आपको ओरिजिनल हींग लेना है। बस इन्हीं दोनों चीज़ों को लेके आना है। हींग को आप पाउडर कर लीजिए कुचल के, और पाउडर करने के बाद में 20 ग्राम शहद के अंदर डाल दीजिए और उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। यानी उसको खूब कायदे से मिक्स करो, इतना मिक्स करो कि उसके अंदर दाने दाने टाइप के बिल्कुल भी ना दिखे, एकदम मक्खन के टाइप का बन जाए। खूब उसको अच्छे से घसते रहिए घसते रहिए घसते रहिए, जब एकदम मक्खन के तरीके से बन जाए बस उसको आप किसी बॉटल में भर के रख लीजिए, बस आपका मेडिसिन तैयार है। तो इसको आपको रेगुलर यूज बिल्कुल नहीं करना है, मतलब अगर आपने आज यूज किया है तो कल आपको यूज नहीं करना है, फिर परसों यूज करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन का गैप करना है, और इसको मात्र 7 दिन यूज करना है। यानी इसको आपको 7 बार लगाना है, एक दिन लगाना है, एक दिन का गैप कर देना, फिर दूसरे दिन लगाना, फिर दूसरे दिन का, तीसरे दिन का गैप कर देना, इसी तरीके से एक एक दिन का गैप करके आपको यूज करना है, और सिर्फ 7 बार लगाना है। यानी आपको 7 बार ही यूज करना है सिर्फ रात में। अब किसको यूज करना है, आगे का हिस्सा छोड़ देना है, आगे का हिस्सा छोड़ देना है, और चारों तरफ हल्के हल्के हाथ से लगा के, आप चाहो तो कोई पट्टी बांध लो या कोई कपड़ा बांध लो सेफ्टी के हिसाब से, वैसे इस पर बांधना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर कोई पट्टा या कोई कपड़ा बांध सकते हो, कोई पट्टी या कपड़ा बांध सकते हो, ठीक है। रात को बांध के सो जाना है, सुबह में इसको निकाल के फेंक देना है, नहा धो और अपने काम पे जा सकते हो। फिर आप दूसरे दिन इसको बिल्कुल नहीं करना, तीसरे दिन आपको फिर इसी तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपको 7 बार करना है, और 7 बार यूज करने के दौरान अगर इसके अंदर घमोरी आती है या बारी बारी दाने निकलते हैं, इसके अंदर खुजलाहट ज्यादा होती है, तो आप नारियल का तेल या चमेली का तेल कोई मार्केट से परचेस कर लेना। जब घमोरी आ जाएगी या खुजली आ जाएगी तो उसी तेल को दिन में 1 या 2 बार लगा लेना, तो आपकी खुजली भी नहीं होगी और उसके अंदर जो जख्म होगा वो भी ठीक हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके नसों के अंदर जितना भी गंदा पानी भरा हो, घमोरी या दाने बन बन के उसके अंदर से पानी निकलेंगे, वही पानी आपका जब निकल जाएगा तो जो पानी का जो स्पेस मिलेगा उसी में आपका खून का सर्कुलेशन आ जाएगा, जिसके वजह से आपका ऑटोमेटिक साइज आ जाएगा, लंबा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और उसके अंदर इरेक्शन भी आने लगेगा। यानी ये कह लीजिए कि ठंड के मौसम में अगर आप अपनी लिंग के अंदर से गंदा पानी निकालना चाहते हैं, उसको मोटा करना चाहते हैं, ताकतवर करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, तो ये नुस्खा आपके लिए 100% सही है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल और 100% सेफ है। तो आपको दो चीज़ परचेस करना है, हीरा हिंग 10 ग्राम ओरिजिनल शहद 20 ग्राम, दोनों को मिक्स कर लेना है, एकदम पेस्ट तैयार कर लेना है, और उसी को 7 बार लगाना है, एक दिन लगाना है, एक दिन का गैप डाल देना है, फिर एक दिन लगाना है, फिर एक दिन का गैप डाल देना है, इसी तरीके से आपको प्रॉपर जो है 7 बार लगाना है। तो जिस तरीके से मैंने बताया, अगर इस तरीके से आप अपना इसको बना के यूज कर सकते हो तो आप 100% अपनी लिंग की तमाम समस्याओं को भी आसानी से
100% अपनी बीमारी को ठीक कर लेंगे। तो बहुत अच्छा नुस्खा है, आप एक बार जरूर यूज करें, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल, 100% सेफ है। तो आई होप दोस्तों की वीडियो को पसंद होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।